इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर एपिसियोटमी। आज इस वीडियो पे इंफ्रारेड रेडिएशन होता क्या है और एपिसियोटमी में इंफ्रारेड लाइट कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। बिफोर दैट इंफ्रारेड होता क्या है, ओके बिफोर गेटिंग टू दैट लेट मी गेट द हाईलाइटर पेन। ओके फाइन। ओके सो जो विजिबल लाइट है हम लोग ने पढ़ा होगा विबजीआर। ओके विबजीआर, ओके विबजीआर का मतलब क्या होता है? इट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। सो ये रेड, सो यहाँ देखो जो रेड कलर है दिस इज रेड, राइट। रेड की नीचे में थोड़ा आगे में इंफ्रा रेड लाइट्स होती है। एक्चुअली दिस इज द ओनली वन विच इज मोर बेनिफिशियल इन ऑल द फील्ड्स, मेडिकल फील्ड हो और स्पोर्ट्स हो और इवन साइंटिफिक हो, सभी जगह में इंफ्रारेड वेव्स बहुत अच्छा मतलब यूटिलाइज होती है। ओके फाइन। बाकी जो गामा रेज एंड ऑल इट दिस इज अल्ट्रावायलेट इज वेरी वेरी हार्मफुल। एक्स रेज इज आप लोगों को पता है इट इज मेडिकल इमेजिंग के लिए यूजफुल होते हैं, गामा रेज फॉर ऑटोक्लेव एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। सो इंफ्रारेड रेज इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके सो दिस इज इंफ्रारेड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पता चलता है। देखो इंफ्रारेड रेज यहाँ पर है, इसमें कुछ कुछ इसको इसको भी डिवाइड किया जाता है। नियर नियर में कुछ कुछ बहुत ही फायदा होता है, स्पेशली बॉडी पार्ट्स के सामने लाइट लगाने के बाद इट इज़ रियल हेल्पफुल थर्मल हीट प्रोडक्शन के लिए। एंड यहाँ पर इसका बीच में शॉर्ट भी आती है और यहाँ पर लॉन्ग भी आती है और फार फार में भी कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होती है। सो दिस इज मोर यूजफुल। सो यहाँ पर अब यहाँ कैन यू लुक एट दिस लाइन, दिस इज 700 nm। ओके इसको जो वेव लेंथ है 700 nm टू इट इज लाइक 1 m, ओके दैट इज 1000 माइक्रोमीटर होता है। ओके सो इतनी वेव लेंथ में कुछ भी हो इंफ्रारेड को यूज किया जाता है। फार इंफ्रारेड बेस होती है, नियर इंफ्रारेड रेस को भी यूज किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू मच मोर अबाउट इंफ्रारेड रेज एंड अदर थिंग्स, बट क्या उसका फंडा है वो थोड़ा सा आपको बता दे रहे। ओके सो आई टोल्ड यू नो इट इज़ यूजफुल, इंफ्रारेड रेडिएशन है बहुत यूजफुल है सभी प्रोसीजर्स में। सो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर जो नाइट विजन है। ओके तो जंगल में भी पूरा लाइट कैसे दिख रहा है, देखिए इंफ्रारेड रेज उसमें लगाएंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर इवन द नाइट विजन ऑल्सो। सो वॉट डू दे डू इज दिस इज सोना। सोना क्या करता है, वहाँ पर पेशेंट को लेटा देता है, राइट। उसका स्किन का थ्रू उसको हीट देता है। सो हो सकता है 30 मिनट्स हो, 1 आवर, डिपेंड्स अपॉन द प्रोसीजर वेयर एवर दे गोइंग टू डू इट। सो वो क्या होगा, वो लाइट ऊपर आएगा तो स्किन के ऊपर क्या करेगा, अंदर की मेटाबॉलिक्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करेगा, स्किन का थ्रू वो स्वेट हो जाएगा, वेट लॉस और इवन कार्डियक फंक्शन भी अच्छा करने के लिए, उसका मसल्स की स्ट्रेंथ देने के लिए भी, और कभी डीजेनरेट हो गया जो नर्वस सिस्टम की नर्व सेल्स है उसके लिए भी बहुत फायदा माना है ये। बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ व्हाट इज दिस मेडिकल प्रोसीजर, बट स्टिल इट इज लाइक वेट लॉस वगैरह के लिए इसका यूटिलाइज होती है। ओके सो ये भी इंफ्रारेड यूज होती है जो मेडिकल इमेजिंग। ओके सो दे कैन यू सी दिस वन, दिस इज बोन्स, और कैन यू सी दिस वन, दिस मोस्टली फ्लूइड्स जहाँ पर है तो वो कलर अलग दिखाई देगा। सो दिस इज इसका इजी पड़ेगा और भी उसको ये करने के लिए। ओके एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट कहीं भी दे दिया। ओके एंड दिस इज व्हाट द प्रोसीजर वी आर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, इस एपिसोड में सामने भी ये दे सकते हैं। सो इनकी ये इस जगह पे दर्द है तो वो उधर लगा रहा है। ओके सो वो क्या होता है, वो सीधा वो स्किन के टिश्यू के ऊपर जाती है, उसके बाद सीधा सेल्स के ऊपर अंदर जाने के बाद वहां पर तो पता है ना सेल का अंदर में साइटोप्लाज्म होती है, फ्लूड होती है, राइट। तो वो ट्रांसफर होके एक क्या बोलता है, इट मूव्स इन अ सिग्नल पाथवे, मीन्स एक स्ट्रेट पाथवे में जाता है। सपोज वहां अंदर के सेल्स के अंदर भी कुछ मरा वाले का चांसेस है, वो एनर्जेटाइज करके उसके बाद उसको ठीक करने के लिए हेल्प करता है। ओके सो इवन ब्लड को भी अच्छा से दौड़ा है, तो ऑल गुड थिंग्स इट हैज। ओके अगेन दिस वन इज अ स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर क्या करना पड़ता है, यूजुअली जो कोई भी कपड़ा होता है तो ठंडा में गर्म रखना पड़ेगा और गर्म फिर ठंडा रखना पड़ेगा, राइट। स्पेशली गर्मी में क्या होगा, पसीना अंदर है। ओके दौड़ेंगे तो कभी स्पोर्ट्स वेयर है तो कुछ एक्टिविटी भी करेंगे तो पसीना निकलेगा, राइट। तो वो कपड़ा सोक करना पड़ेगा। सो हियर व्हाट हैपेंस इज दिस स्पोर्ट्स वेयर आर लाइक मेड अप ऑफ इंफ्रारेड रेज। ओके सो वो क्या करेगा, वो पूरा वो एनवायरमेंटल एयर के साथ मिक्स होके वो बाहर निकल के आ जाए।
एंड लास्ट वन, दिस इज ऑल्सो अ सोना एंड दिस इज अ वे ऑन थेरेपी कहते हैं, दिस इज यूज इन जापान. ओके सो ये मोस्टली जो लंग्स में, बिकॉज लंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज राइट, सो उसका सेल्स कुछ खराब हो गया है, नहीं तो हार्ट, हार्ट इज ऑल्सो मस्ट राइट, सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है इस प्रकार की एक प्रोसीजर किया जाता है उसमें. सो वॉट दे गिव दिस इंफ्रारेड लाइट यहाँ पर इस रूम पे लगाने के बाद वो 15 मिनट तक वहां पर रहते हैं स्पेशली 60 डिग्री सेल्सियस का थ्रू. सो ये जो इंफ्रारेड रेस क्या आता है एनर्जी देती है और अल्टीमेटली उसके बाद आधा घंटा तक उसको ब्लैंकेट में से लेके उसको पूरा लगा के उसको पूरा पूरा मेटाबॉलाइज बाहर निकलता है. सो वो हीट सीधा जाके वहां पर पहुंचता है. सो वो सेल्स वगैरह अच्छे से रीजेनरेट मीन्स लाइक नया आने लगता है. इट्स नॉट नया, इट बिकम्स एक्टिवेटेड. ओके सो अल्टीमेटली यहाँ पर पानी को पीता है जब भी परस्पिरेशन मीन्स स्वेटिंग होने के कारण से बहुत ज्यादा फ्लूड बाहर नहीं जाना चाहिए राइट सो इसलिए उसको पानी में रिप्लेस करते हैं. दिस इज व्हाट द इंफ्रारेड रेडिएशन की यूसेज है. ओके इट्स मल्टीपल यूसेजेस. बीइंग अ मेडिकल पर्सनल मैं प्रेफर करती हूँ कि इंफ्रारेड लाइट मेरे घर पे रहे, और क्योंकि कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कहीं ऊंड हो गया, कभी चोट लग गया. ओके दिस इज अ हीट थेरेपी, बट वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस इन यूजिंग दिस इंफ्रारेड लाइट. सो इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर एपिसियोटमी ऊंड, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एंड इट हैज टू बी यूज्ड ऑल्सो. ये जल्दी हीलिंग हो जाता है. आई टेल यू व्हाट द रीजन, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को पता चला जाएगा. एपिसियोटमी इज लाइक अ पेनफुल प्रोसीजर एक्चुअली. सो उसके बाद वुंड रहेगा तो और भी इट इज मोर, इट्स पेनफुल, दैट्स व्हाट. ओके सो हियर व्हाट हैपेंस इज, ये जो लाइट होती है इंफ्रारेड लाइट है, 150 to 250 वॉट्स का अंदर में आता है. माइट बी दिस इज वेयर इज माई एरोस. ओके या आई गॉट इट. सो ये जो है यहाँ पर टेबल पे रख सकता है, ये वाला जो स्टैंड है स्पेशली ट्रीटमेंट रूम में ये मिल सकता है. सो 150 to 250 वॉट्स का ये आती है. ओके सो द एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू एन इलेक्ट्रिकली हीटेड यूनिट कैपेबल ऑफ इमिटिंग द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ इंफ्रा रेड रेज. इसका मेन कारण क्या है, इंफ्रा रेड रेज को एमिट करेगा और अल्टीमेटली उसको एनर्जी वहीं पर देगा. फाइनली दैट विल बी अ बेटर ऑप्शंस. वन सेकंड आई रेज दिस. ओके सो नेक्स्ट इज द पर्पजेस क्या होता है. ओके जो पर्पजेस है, द मेन नंबर वन पर्पज इज टू रिलीव द पेन एंड प्रोमोट कम्फर्ट. ओके ये क्या करेगा, ये लाइट सीधा सेल्स के ऊपर जाएंगे जहां भी चोट लगी है, जहां भी टाका लगी है राइट. सो आई मीन सुचेस लगी है वहां पर, ये हीट पहुंचने के बाद वो अंदर पेनेट्रेट होती है. पेनेट्रेट होने के बाद वहां पर जो क्या बोलते हैं कंजेशन कहते हैं ना, ब्लड वगैरह जमा हुआ होगा, सो वहां पर उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाने के लिए ये इंफ्रारेड लाइट देता है. यू कॉल इट एज ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन भी कहते हैं उसको. सो व्हाट हैपेंस इज, ये लाइट अंदर जाएगी तो वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बना देगी, अल्टीमेटली पेन रिलीव हो जाएगा राइट एंड दे विल फील कंफर्ट ऑल्सो. सेकेंडली इज टू प्रोमोट द हीलिंग ऑफ एपिसियोटोमी वुंड दैट इज डीजेनरेट्स एंड रिप्लेस. इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट इट इज. वो हीट एनर्जी वहां पर देने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वहां पर कोई चांसेस नहीं है डिले होने के लिए हीलिंग का, और जल्दी से जल्दी हील होने का चांसेस होता है. ओके इट रिड्यूसेस अ स्वेलिंग. ओके स्वेलिंग क्यों आती है, जब इन्फेक्शन होती है तभी होगा, तो इन्फेक्शन तो होने का चांसेस नहीं है इंफ्रारेड लाइट देंगे तब. लास्ट में टू प्रिवेंट द सपुरेशन. सपुरेशन होता क्या, इट इज लाइक अ पस फॉर्मेशन. ये पस सी एक्चुअली जो वल्वा देगा. ओके जो पेरिनियम है. ओके पेरिनियम देखते समय में ऊपर की क्या होता है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से यूरिन पास करेगी राइट. नीचे से क्या होगा, जो वेजाइना है. ओके समटाइम्स ब्लीडिंग भी आते रहेगा, स्पेशली लो क्या होता है ना, जो डिलीवरी के बाद कम से कम 14 दिन तक उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, तो वो भी है. लास्ट में एनस नीचे है. सो अल्टीमेटली ये तीनों ओपनिंग्स में क्या होता है, कुछ तो कुछ निकलते रहते समय में, अल्टीमेटली वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस, आई मीन जल्दी से जल्दी इन्फेक्ट होने के चांसेस है, बिकॉज वो पानी के साथ कांटेक्ट में बार बार आती है. ओके जैसे टॉयलेट जाएगी राइट, यूरिन पास करने के लिए जाएगी तो पानी जाएगा तो वहीं पर टाका के ऊपर जाएगा.
राइट, पैड ज्यादा सोक हो गया है वेजनल ब्लीडिंग के कारण से, तभी भी डाके को ऊपर होगा। एंड फाइनली इवन डिफिकेट करने के लिए जाएगी, ठीक है, पॉटी करने के लिए जाएगी, तो उस समय में भी उसका कभी कभी वहीं पर पानी आ जाए। सो अल्टीमेट 24 घंटे ऐसे लगेगा वहां पर उसको गीला ही है। सो हाउ इट विल फॉर्म, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द सपुरेशन, वो सपुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिच ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है, क्या क्या करना पड़ता है। नंबर वन इज ऑल पेशेंट्स विद एपिसियोटोमी एंड द पेरिनियल सुचर्स मस्ट बी गिवन इंफ्रारेड रेडिएशन ट्वाइस अ डेली। ओके, एपिसियोटोमी और पेरिनियल सुचर्स, हो सकता है एपिसोटोमी दिया होगा, टाका लगाया होगा, राइट। आप इवन देन इफ इट इज नॉट बीन गिवन, पेरिनियल टेयर भी है तभी भी वो सूचर्स दिया होगा, उस पेशेंट्स के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन ट्वाइस डेली देना पड़ेगा, एक सुबह एक शाम। ओके, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, वो एक सप्ताह के अंदर में वो ठीक हो जाएगी। केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स आईज फ्रॉम इंफ्रारेड रेस। ओके, जो लाइट है, रेड लाइट जो होता है वो जो केयर गिवर है, ओके, नर्स हो नहीं तो कोई वार्ड लेडी हो, कोई भी हो वहां पर खड़ा है, वो जो दे रहा है, उनका आईज भी उन लाइट्स के सामने होना नहीं चाहिए, फेस नहीं करना चाहिए, इवन पेशेंट का आंखों में भी वो जाना नहीं चाहिए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इट्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ये लाइट आंखों में नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? वो सीधा लेंस के ऊपर लगाएगा और उसके बाद कैटरैक्ट होने का चांसेस होते हैं। समटाइम्स स्कोटोमा मीन्स लाइक विजन को अभी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, वो भी होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए आईज के ऊपर वो लाइट नहीं जाना है, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वी शुड नो। इंफ्रारेड लाइट शुड नॉट बी मूव्ड और शेकन व्हेन इट इज वेरी हॉट, एब्सोल्युटली। वो उठाते समय में, जो गर्म चीज को उठाते समय में करंट भी है, राइट, ऑफ भी कर दिए तभी भी वो गर्म है। सपोज उठाएंगे तो क्या होगा, तो बल्ब बस्ट भी हो सकता है, कभी गिर भी सकता है, हमारे पैर में भी लग सकता है, राइट। सो इट्स बेटर दैट वी डोंट शेक इट एक्चुअली। सो कीप इट इन अ वेरी सेफ प्लेस, छोटा वाला रहेगा, टेबल के ऊपर रखे और सॉरी ट्रॉली के ऊपर रखे और ट्रॉली को धीरे धीरे से हटा देंगे तो नथिंग विल हैपन टू द, डोंट शेक इट एक्चुअली व्हाइल कीपिंग इट वेरी, व्हेन इट इज हॉट। कीप रिफ्लेक्टर ऑफ लैम्प क्लीन एंड फ्री ऑफ स्क्रैचेस। फॉर एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्टर है ऊपर देखो जो, ओके, सो दिस इज व्हाट दिस वन सी, सो दिस इज लाल है, तो मीन्स ये स्क्रैचेस है। सो क्या होता है स्क्रैचेस के कारण से, सो इट वोंट बी लुकिंग दैट गुड, इट वोंट वर्क वेरी वेल एज इट इज, इट शुड बी ओके। द नेक्स्ट वन इज लाइक मेक श्योर दैट देर इज नो एक्सपोज वायर इन दिस सर्क्यूट। ऑफकोर्स शॉर्ट सर्क्यूट होने के चांसेस होते हैं, सो बेटर बी केयरफुल इन डूइंग द, बेटर बी केयरफुल इन टेकिंग केयर ऑफ दैट। पहले चेक करना पड़ेगा उसमें है क्या या नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्चुअली क्या है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कहता है, इवन सर्जरी के पहुंचने के पहले पेशेंट को क्यों समझाता है, क्योंकि पेशेंट हमारे से कोऑपरेट करेगा। सो सेम थिंग, इंफ्रारेड रेडिएशन के पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप नहीं करेगा, उसको ज्यादा जल रहा है, कुछ हो रहा है, तो किक मारेगी तो क्या होगा, उसको भी शॉक लगेगी, एट द सेम टाइम वो भी टूटने के चांसेस होते हैं। सो वी शुड टेक इट वेरी सीरियस इन एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आज द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लाडर एंड हैव अ पेरिनियल वॉश, सीधा जाके जा अवॉइड करके आएगा, बिकॉज लेटर समय में उसको और भी पेन लगेगा, फिर उठ के आ जाएगा, फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, सो आस्क टू एम्प्टी हर ब्लैडर एंड पेरिनियल वॉश करके उसको आने के लिए बोलना। प्रोवाइड प्राइवेसी, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड यूजुअली जो ट्रीटमेंट रूम में देगा तो अच्छा है, पेशेंट का बेड साइड में देगा तो उसको एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैट्रेस के ऊपर वो इंफ्रारेड रखेंगे, दैट विल बी ए प्रॉब्लम और इश्यूज। सो इट्स बेटर दैट वी गिव देम अ प्राइवेसी इन द ट्रीटमेंट रूम। प्लेस द पेशेंट इन द मॉडिफाइड लिथोटोमी पोजिशन एंड ड्रेप द पेशेंट। सो लुक एट दिस वन, द पेशेंट जैसे पैर मोड़ के वहां पर लेटा है तो लाइट रखने का ईजी पड़ेगा, बट कपड़ा देखो उसको ऊपर पूरा ये करके रखा है। ओके, दिस इज द वे आर सपोज टू डू इट। एक्चुअली जो ड्रेप है वहां पर नहीं लगना चाहिए, तो नीज के से यहाँ पर लगना चाहिए। ओके, यहाँ पर लग जाएगा, सो ये जो ड्रेप यहाँ पर है तो ये लाइट यहाँ क्रॉस करके उनका आईज में नहीं पहुंचेगा। सो मेक श्योर दैट ये ड्रेप पैर तक आ जाएगी, केवल लाइट बस वहां पर पेरिनियम में वो फोकस होगी। ऑब्जर्व द एरिया फॉर द हीलिंग ऑफ द ओन्ड, कलर ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द लोकिया।
वूंड कैसे है, कल का कैसे था, आजकल यूजुअली जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स देता है तो एक पेशेंट को दे रहा है वो कंटिन्यूसली वही देना चाहिए, रोज रोज बदलते रहेगा तो पेशेंट की जो असेसमेंट में कुछ तो कुछ कमजोरी होने के चांसेस होते हैं, बट फिर भी वी हैव टू ट्राई ऑल में ऑल आर बेस्ट टू गिव द सेम केयर फॉर द सेम पेशेंट एट द सेम टाइम। सो वो समय में क्या होता है, वुंड का कल का कैसे था आज कैसे है पता चल जाएगा, कलर कैसे था बिकॉज वो कलर तो नॉर्मल होना चाहिए, बट बात ये है इसका भी रेडनेस है इसका मतलब वहां पर इन्फेक्शन होने का चांसेस है, मतलब है इन्फेक्शन। ओडा स्मेल, ओके बहुत बैड स्मेल हो रहा है इसका मतलब सपुरेशन मतलब पस फॉर्मेशन हो गया। कंसिस्टेंसी ऑफ लोकिया, सो लोकिया का जो कौन सा कलर है क्या है वो देखना पड़ेगा। ओके गिव द पेरिनियल केयर इफ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है सो बेटर गिव द पेरिनियल केयर, एंड डिस्क्रिप्शन में पेरिनियल केयर की प्रोसीजर डाल दे रही हूँ तो उसके बाद में आप पेरिनियल केयर कैसे करना वो भी देख सकते हैं। ड्राई द वल्वा एंड द सूचर लाइन बिफोर गिविंग द लाइट, ओके सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गिव द लाइट लाइट आई मीन ड्राई एंड कीप द वल्वा वेरी क्लीन बिकॉज लाइट सीधा फोकस करेगा जो एस्पेशली पानी रहेगा तो उसके ऊपर ट्रांसफर होके जाने में थोड़ा से इट विल इरिटेट ऑल्सो एंड अल्टीमेटली इट इज नॉट गुड प्रोसीजर। यूजली लाइट थेरेपी जब भी देते हैं वो ड्राई का एरिया में देना पड़ेगा। ओके ओके प्लेस इंफ्रारेड लैम्प एट द डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर्स टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम वल्वा, सो कैन यू लुक एट दिस प्रोसीजर, इज लाइट कहाँ रखा है 40 से 50 सेंटीमीटर मान के चलो, एक स्केल का जो लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर बिग स्केल का आई मीन बड़ा स्केल का, तो उससे थोड़ा 20 सेंटीमीटर है तो 40 से 50 सेंटीमीटर की होगी उतनी दूर में उसको फोकस करवा के रखना चाहिए। स्विच ऑन द लैम्प एंड प्रोवाइड रेडिएशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स, सो 10 मिनट के लिए देना पड़ेगा। सो व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको कुछ भी काम हो रिलेटिव्स का ना छोड़कर आप ही खड़ा होके वो 10 मिनट स्पेयर करना पड़ेगा, राइट स्पेयर करके यू हैव टू बी देयर बिकॉज उनका पेशेंट को कुछ नहीं पता है, इन केस कुछ हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, सो ओनली अ नर्स हैज टू मैनेज इट, सो 10 मिनट आपको स्पेयर करके वहीं खड़ा होना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्व द एरिया फॉर एक्सेसिव रेडनेस, लाल है क्या वो देखना पड़ेगा, आई टोल्ड यू रेडनेस इंडिकेट्स द इन्फेक्शन। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प, फॉर एग्जाम्पल्स अभी रख दिया 2 मिनट में पेशेंट बोल रहा है बहुत गर्म है सिस्टर थोड़ा बदल दीजिएगा करके बोलेगा तो ठीक है थोड़ा सा डिस्टेंस आपको अलग कर सकता है, बहुत ही ज्यादा हो रहा करके बोलेगा तो आप बंद भी कर सकते हो उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं, बट बात है लाइट थेरेपी देना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्रोसीजर स्विच ऑफ द लैम्प, फिक्स द पेरिनियल पैड एंड पोजिशन हर कंफर्टेबली, ओके दिस इज मस्ट, एंड पेरिनियल पैड लगाकर उसको शी कैन वेट देयर फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, उसके बाद नहीं है शी कैन गेट बैक टू हर बेड, रिप्लेस द इक्विपमेंट एंड डॉक्यूमेंट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंफ्रा रेड एंड अप्लीकेशन एंड कंडीशन ऑफ द वल्वा एंड सूचर लाइन। ओके सो यूजली नर्सेस रिकॉर्ड में लिखना इंपॉर्टेंट, आपने कब दिया कौन सा टाइम दिया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द ब्लेम विल बी अपॉन यू, ओके समथिंग समथिंग गोज रॉन्ग सो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, द बेटर दैट यू टेल आई मीन यू पुट इट ऑन द नर्सेस रिकॉर्ड सेइंग दैट इट हैज बीन डन एंड हाउ इज वल्वा इज पेरिनियम कैसे था, क्या हेल्दी था ना तो कुछ इन्फेक्टेड था क्या था, सूचर लाइन कैसे था वो बताना। फाइनली रिपोर्ट द डॉक्टर इफ एनी अबनॉर्मलिटीज इज फाउंड लाइक डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस आप देखना पड़ेगा, आई विल शो यू इन द पिक्चर द कमिंग पिक्चर, दिस इज अ वुंड डेहिसेंस इज ओके, सो वुंड डेहिसेंस है क्या है वो देखना है एंड एडिमा है क्या देखना है एंड वल्वा और फॉल्स स्मेलिंग लोकिया चेक करना है। ओके फाइनली यू हैव टू चेक फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द शॉर्ट हिंट जैसे है रीडा, रीडा इज व्हाट इज आर फॉर रेडनेस, लाल कलर है या क्या देखना है, और एकाइमोसिस, एकाइमोसिस का मीनिंग क्या है, इट इज लाइक सपोज पंच मारने वाला आदमी सीधा हाथ के ऊपर ना तो कहीं पंच मार रहा है तो पंच मारने के समय में क्या होगा अंदर ही चोट लगता है बाहर नहीं होता, इट्स लाइक ब्रूसिस कहता है, राइट सो अंदर ही मार आई मीन अब जैसे मारेगा ऊपर से बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा, इट विल बी वेरी नॉर्मल बट थोड़ा से हल्की ब्लूइश रंग दिखाई देगा,
सेम थिंग यहाँ पर एपिसोटमी के अंदर में क्या होगा, ब्लीडिंग हुआ होगा, सो ऊपर के थोड़ा से ब्लूइश ब्लैक कलर के थोड़ा से दाग दिखाई देता है. इसका मतलब वो एक्साइमोसिस, मतलब अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, हम लोग को जानकारी मिलेगा. एडिमा क्या देखना है, और डिस्चार्ज, व्हाट एवर द टाइप ऑफ डिस्चार्जेस, इवन इन दिस इमेजेस ऑल्सो थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्चार्ज हो रहा है ना, कभी कभी पानी की तरह आता है, कभी पस का सपुरेशन का तरह आता है, राइट, वो देखना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेशन, ओके, अप्रोक्सीमेशंस, वन सेक, वेयर इज माय, या इट इज हियर, ओके, सो सॉरी, सो अप्रोक्सीमेशंस का मतलब है एक यहाँ पर कटी थी, एक यहाँ पर कटी थी, तो ये दोनों जुड़ा समय में दोनों इक्वल होना चाहिए. ये नहीं एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ओके, ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर रहेगा, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, मैंने दोनों इक्वल साइड में नहीं, सो कटा है, सो दिस शुड बी इक्वल, ओके, इट शुड बी इक्वल, बट एक ऊपर एक नीचे रहेगा, इसका मतलब है कहीं से कहीं पुलिंग हो रहा है, कहीं से कहीं कुछ हेमाटोमा हो गया होगा, तो वो थोड़ा से ऊपर पहुंच गया होगा और ये नीचे आया होगा, सो ये रीडा आपको देखना पड़ेगा, दिस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज, ओके, दिस इज रीडा. रीडा इज नथिंग बट इट इज रेडनेस, एकाइमोसिस, एडिमा, डिस्चार्ज एंड अप्रोक्सीमेशन, दिस हैज टू बी एनालाइज्ड, सपोज इन केस एनीथिंग इज लाइक दैट वी हैव टू रिपोर्ट टू दैट. सो ये डेहिसेंस, डेहिसेंस एक्चुअली क्या होता है, वो डेहिसेंस का मतलब है जो गैपिंग है, ओके, सो दिस शुड बी नो गैपिंग, राइट, सी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी इधर इट इज, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, सूचर यहाँ पर, आई मीन सूचर किया है, ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए था, ये दोनों जो जोड़ा है, ओके, जो टाका लगी है, इट शुड बी इक्वल, राइट, दिस नो गैप है, इफ देर इज गोइंग टू बी ये गैप लाइक दिस, सी लुक एट दिस, कितनी बड़ा गैप है, अब स्केल लेके मेजर करेंगे, इट विल बी मोर देन 1 or 2, 1 सेंटीमीटर समथिंग लाइक, इतनी बड़े गैप को इसको बोलते हैं ऊन डेहिसेंस, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका रूस रीसूचरिंग का इंपॉर्टेंट है. सपोज इन केस आप इंफ्रारेड लाइट कम से कम डेली 5 दिन के लिए दे रहे हैं, ट्वाइस अ डे, वेरी श्योर आई हैव सीन पेशेंट्स गेटिंग हील्ड वेल विदाउट एनी इश्यूज, सो इफ एनी क्वेश्चंस कमेंट नीचे लिख लेना, और दिस इज मोर बेनिफिशियल, सो एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल पर्सनल आई कुड रिकमेंड दिस इंफ्रारेड लाइट, इज नॉट ओनली फॉर एपिसियोटोमी, इवन कुछ ज्यादा पेन हो रहा है, इट इज लाइक 5 to 7 months इज लार्ज इनफ, उसकी थोड़ा से हीट थेरेपी दे दिया, दैट्स गुड एक्चुअली, बिकॉज इंफ्रारेड, आई मीन हॉट वाटर बैग वगैरह भी ठीक है, बट बात ये वो हीट तो देता है, बट दिस विल गिव यू, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी, यू नो इंफ्रारेड लाइट में यही फायदा है, इट विल ट्रांसफर टू द सेल, सेल से अंदर जाने के बाद उसको रीजेनरेट, मतलब इट विल हेल्प इन एक्शन ऑफ दैट सेल्स, ओके, सो आई थिंक इंफ्रारेड दिस इज गुड, सो एनी वे आई गिव यू अ लिंक, जो सपोज इफ यू वॉन्टेड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ये इंफ्रारेड लाइट कहाँ मिलता है करके. Okay, thank you for watching.